गाइस यार आज तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है और वो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता, इसलिए टोनी ने और मैंने मिलके प्लान किया है कि हम दोनों मिलके साथ में देखेंगे। चॉप मेरी बात सुन, मैं जा रहा हूँ बाहर तो तू घर का ध्यान रखना, शिनचैन थोड़ी देर में स्कूल से आ जाएगा, चल अब मैं चलता हूँ। गाइस यार फटाफट चलते, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। एक मिनट, ऐसे खाली खाली थोड़ी ना देखेंगे, मैं तो बोलता हूँ रास्ते से कुछ लेकर जाता हूँ, जैसे पॉपकॉर्न या फिर कुछ खाने पीने की चीजें। आराम से दोनों भाई लेट के देखेंगे, बस यार रास्ते में जल्दी से कोई दुकान मिल जाए, यहाँ आसपास कुछ होना चाहिए। एक मिनट, हल्क ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ओ चलो गाइस, हल्क के साथ एक हॉट डॉग की दुकान भी मिल गई, यही से ले लेता हूँ। और हल्क कैसा है? एक बात बता, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? हल्क स्नैक्स खरीदने आया था ताकि मैच देखते टाइम खा सके। क्या बात कर रहा है, तू भी मैच देखने जा रहा है? फिर तो चल मेरे साथ आ जा, क्योंकि मैं और टोनी साथ में देखने वाले। हल्क तुम्हारे साथ नहीं देखेगा, हल्क जा रहा है नताशा के साथ, वो उसके साथ ही देखेगा। अच्छा ठीक है भाई, मैं समझता हूँ, ठीक है फिर मजे करियो। अच्छा ठीक है हल्क, चलता है, आज तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अंकल अंकल आप जल्दी जल्दी 6 से 7 चीज हॉट डॉग पैक कर दो ना। अरे हाँ हाँ कर रहा हो, थोड़ा सबर रखो, अभी तो ऑर्डर दिया है। अरे हाँ सॉरी, पर मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा है, मैच चालू हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है अभी बस 2 मिनट में बना कर देता हूँ, तुम टाइम देखना स्टार्ट कर दो। चलो गाइस फाइनली हमें हमारा सामान मिल चुका है, अब जल्दी से गाड़ी में बैठ के निकलते यहाँ से, क्योंकि मैं थोड़ा सा भी लेट नहीं होना चाहता हूँ। पता चला हम देरी से पहुँचे और टोनी पहले से मैच देख रहा है, अगर ऐसा तो हुआ ना तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। हाँ चलो पहुँच गया फाइनली, अब जल्दी जल्दी गाड़ी से उतरता हूँ। वैसे टाइम क्या हुआ है, मैच शुरू तो नहीं हो गया होगा ना? ये ले भाई मैं आ गया हूँ, तूने सब तैयारी करके तो रखी है ना, या फिर तू भूल गया है? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, ऐसी चीज मैं कैसे भूल सकता हूँ। अब जल्दी से आ जाओ, मैच शुरू होने ही वाला है, फटाफट से टीवी को ऑन करते हैं। गाइस यार क्या ही इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हम लोग पक्का जीत जाएंगे। और एक सिक्स और प्लीज। ओ भाई क्या बात है यार, मजा आ गया, क्या ही इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है, मैच हो तो ऐसा वरना हो ही ना। लेकिन रुको गाइस, क्यों ना ये मैच हम थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाए, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये मैंने निकाला फोन और ये रही वो वेबसाइट, क्या आप लोग 22bet.com के बारे में जानते हो? यहाँ मिलते हैं 100+ लाइव स्पोर्ट्स बेटिंग ऑप्शन और 1000+ कैसीनो गेम्स। ओहो भाई साहब ये बहुत ही आसान है, बस प्रिडिक्ट करो और जीतो लाखों के इनाम, 22bet पे खेलो और मिलेगा जैकपॉट हर बार, तो फिर और क्या चाहिए यार। वर्ल्ड कप के क्रिकेट मैचेस, प्रीमियर लीग के फुटबॉल मैचेस और हजारों कैसीनो गेम्स, सब मिलेगा 22bet.com पर, तो जाइए और अभी साइन अप कीजिए। एक मिनट, ये कौन सी ब्रेकिंग न्यूज है? चैन से सोना है तो जाग जाओ, क्योंकि जी मैन आ चुका है वापस, और वो भी अपने गोल्डन अवतार में। आते ही उसने शुरू कर दिया है तबाही मचाना, पता नहीं हमें इस दरिंदे से कौन बचाएगा। अरे बाप रे, ये क्या, ये जीमैन का बच्चा हमारा पीछा कब छोड़ेगा? अरे यार ये तो मैं भी सोच रहा था, इतना इंटरेस्टिंग मैच चल रहा था, उसके बीच में ये क्या हो गया? देखो अब कुछ भी हो ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें उसे रोकना होगा। मैं यहाँ पर रह के ध्यान रखता हूँ कि कुछ और गड़बड़ ना हो, तुम जाके उसे हराओ। सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देता, तेरे को यहाँ पर रह के मैच पूरा देखना है, हर बार बलि का बकरा मैं ही बनूं? अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, चलो अब चलते हैं यहाँ से, मैं तुम्हें एक नया सूट देता हूँ और तुम्हें सीधा उसके पास पहुँचाता हूँ, तुम तैयार हो जाओ, मैं मशीन शुरू करने जा रहा हूँ। अबे यार ये क्या हो रहा है, बहुत जोर जोर से झटके लग रहे। अबे नहीं ये क्या हो रहा है, ये मैं कहाँ पर पहुँच गया? ओ भाई एक मिनट गाइस, क्या हम लोग टीवी मैन बन चुके हैं? अच्छा तो टोनी इस सूट की बात कर रहा था, वैसे उसने बोला था कि वो मुझे सीधा उसके पास पहुंचाएगा, पर वो है कहाँ पर? ये रहा भाई साहब, इसने तो खुद को सच्ची में गोल्ड में अपग्रेड कर लिया है। जी मैन बहुत हो गया तुम्हारा। कैसे हो दोस्त, बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। पहली बात तो मैं तेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं हूँ, मुझे लगता है तू ऐसे मानेगा नहीं, तेरे को सबक सिखाना ही पड़ेगा। जरा खुद को देखो, तुम एक नॉर्मल से टीवी मैन हो और मैं एक गोल्डन जी मैन, अब देखो मैं क्या करता हूँ, मुझे हराने आया था। जा यहाँ से, पहले मेरे जितना पावरफुल हो के बता। अबे नहीं यार अभी तो गिरा था फिर से। दम निकल गया है, एक तो ये फेंकने वाली आदत बंद कराओ यार सबकी। देखो गाइस वैसे जी मैन बोल तो सही रहा था, वो गोल्डन जी मैन है और हम लोग एक नॉर्मल से टीवी मैन, उसको हराने के लिए खुद को भी गोल्ड में अपग्रेड करना होगा। एक मिनट मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, आप सभी को तो पता ही होगा सबसे ज्यादा सोना समुद्र में दफन है, तो क्यों ना अंदर डुबकी लगा के पता लगा लिया जाए। जल्दी जल्दी चलते हैं। ओहो हमें बहुत नीचे तक जाना होगा, क्या पता हमारी किस्मत अच्छी हो और हमें ढेर सारा सोना मिल जाए। ओ भाई साहब जरा सामने तो देखो गाइस, इतनी बड़ी वेल, इसके सामने तो मैं एक मच्छर
टीशर्ट जीतना था। अबे यार यहाँ पर भी है, मुझे थोड़ा बचकर जाना होगा, अगर इनका दिमाग घूम गया तो हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। अबे यार सोना कहाँ हो सकता है। ये रहा गाइस, यहाँ पर कुछ चमक तो रहा है। मैं एकदम सही था, यहाँ पर 2-3 क्रेट रखी हुई है सोने की, है काफी छोटी पर इतना भी चलेगा। चलो जब मिला है तो जल्दी से लेते हैं। और ये अपना हुआ, इससे हमें मिले हैं पूरे 1000 गोल्ड पॉइंट्स। मुझे लगता है इसमें तो अपना पहला अपग्रेड हो ही जाएगा। एक मिनट, ये आवाज कैसी है, लग गए। अबे इतनी सारी शार्क्स, और ये हमारे पीछे क्यों पड़ी है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। फटाफट बाहर निकलो यार, ये लोग तो क्या धनाधन पीछा कर रहे, गलती से इसके मुंह ना लग जाओ यार, वरना इनके तो दोपहर का लंच हो जाएगा। हाँ चलो बाहर निकले, किनारे पे पहुंचे। आओ ना आओ ना, पकड़ के दिखाओ क्या हो गया। अरे मजाक कर रहा था, पागल हो गए हो क्या। ओह क्या बचा है यार, चलो अच्छा हुआ ये लोग पानी के बाहर आते ही मर गए, वरना इनकी जगह मैं लेटा होता है यहाँ पर। मैं किनारे से काफी दूर चला गया, ये मैंने बहुत अच्छा किया। फिलहाल चलो गाइस, जो हमें 1000 पॉइंट्स मिले हैं उसका देखते हैं कौन सा अपग्रेड मिलता है। 1, 2, 3 बूम। ओके एक ब्रॉन्ज टीवी मैन, चलो ये भी चलेगा फिलहाल के लिए। थोड़ा अपग्रेड तो हुए कम से कम हम लोग, पर अभी आगे क्या करेंगे ये सोचने वाली बात है। बहुत बार गाइस ऐसा होता है मिलिट्री बेस में भी सोना रखा होता है, मतलब वो लोग एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाते हैं, वो सोना होता है सरकार का। काश के आज भी वहां पर कुछ मिल जाए। देखो गाइस मिलिट्री बेस तो हम लोग आ चुके हैं, यहीं पर लैंड हो जाते हैं। ओहो ये जगह तो पूरी खाली पड़ी है यार, सब सोल्जर्स कहां पर गए। तो भी हम लोग चुप चुप के जाएंगे, यहाँ भी कुछ नहीं दिख रहा है। थोड़ा और आगे जाके चेक करते हैं, ऐसे तो पता नहीं चलेगा यार, ये जगह बहुत ज्यादा बड़ी है, ढूंढते ढूंढते भी टाइम लग जाएगा। एक मिनट जरा सामने देखो क्या चीज हाथ लगी है, थोड़ा और नजदीक जाता हूँ मैं तब आपको पता चलेगा। ये देखो क्या है यहाँ पर, मैंने एकदम सही सोचा था, ये लोग हेलीकॉप्टर में सोने को कहीं ले जा रहे हैं, पर अभी नहीं ले जा पाएंगे। देखो आसपास हमें कोई देख तो नहीं रहा है, ये एकदम सही मौका यहाँ से कल्टी मारने का। तो धीरे धीरे खोलेंगे दरवाजा और बैठते हैं अंदर। चालू हो जा भाई, चालू हो जा। एक तो इसकी आवाज से वैसे इन लोगों को पता चल जाएगा, बस उससे पहले मैं उड़ना चालू कर दूं। हाँ चलो फ्लाई करने लग गए। एक मिनट की आवाज कहाँ से आई, अभी जेट अपने बाजू से गया क्या। गाइस थोड़ा लोचा हो गया है, इनको शायद पता लग गया। ये देख रहे हो एक नीचे से फायर कर रहा है, ये जेट अपने आसपास घूम रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी दूर जाना होगा। चलो फाइनली हम लोग उनसे थोड़ा दूर तो हुए। देखो सामने वो जगह काफी लंबी चौड़ी दिखाई दे रही है, या हम अपना हेलीकॉप्टर आराम से पार्क करवा सकते हैं। तो एकदम स्लोली स्लोली उतरेंगे। और ओहो मैं पहले से काफी अच्छा हो गया हूँ हेलीकॉप्टर चलाने में, पहले तो काफी आड़ा टेढ़ा चलता था। तो गाइस हम लोग सोने को काफी दूर ले आए, अब एकदम से दूर कर देते हैं, मतलब के सोने को हमें बेचना होगा ताकि हमें गोल्ड पॉइंट्स मिल सके। और ये अब जरा चेक करें अकाउंट, हमें मिले हैं पूरे 10,000 गोल्डन पॉइंट्स। भाई साहब देखते इसमें क्या मिलता है। 1, 2, 3 बूम, एक नियॉन टीवी मैन, और अपग्रेड भी पहले से काफी अच्छा लग रहा है। हमारा सूट पूरा चेंज हो चुका है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। दो चीजें तो मैंने सोच ली थी, तीसरी का कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है। अब ये क्या है यहाँ पर, भाई साहब पूरा रैंप बनाया हुआ है, ये तो सोने पे सुहागा हो गया यार, जो चाहिए था वो सामने से मिल गया है। थोड़ी सी लैंडिंग में प्रॉब्लम हो गई गाइस, पर कोई बात नहीं, हम लोग वापस चल के थोड़ा ऊपर जाएंगे, हर बार उड़ना जरूरी थोड़ी है। तो भैया जी जरा आप मुझे बताएंगे यहाँ के रूल्स वगैरह क्या है। हाँ हाँ बता रहा हूँ, ये एक रैंप चैलेंज है, जो कोई इसे 2 मिनट के अंदर पूरा कर देगा उसे मिलेगा 1,00,000 तक का गोल्ड। बोलो क्या बोलते हो। मैं क्या बोलूँ, आपने बोला ना, मुझे तो बस इसमें हिस्सा लेना है। ठीक है तुम ले सकते हो, तुम भी आजमा लो, तुमसे पहले बहुत जन हार के जा चुके हैं, देखते हैं तुम क्या तोड़ते हो। वो तो मैं अभी बताता हूँ। देखो गाइस ये थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि 2 मिनट के अंदर ये रैंप पूरा करना मतलब थोड़ा भारी पड़ सकता है। बाइक तो हमने ले ली है, तो प्लीज जल्दी से लाइक कर देना यार, आपके लाइक और सब्सक्राइब काफी कम हो चुके हैं। और ये मैच चल रहा, हमें टाइम का बहुत ध्यान रखना होगा और खुद की स्पीड बरकरार रखनी होगी। चलो अच्छा ऊपर पार्टियां लगाए हुए हैं, तो ऊपर ऊपर से गाड़ी निकल जाती है, वरना टनल के अंदर थोड़ी गाड़ी सी स्लो हो जाती है। चलो 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 धीरे 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 धीरे, अब मुझे लगता है यहाँ से सीधा नीचे। ओहो चलो अच्छा है झटके से गिरे नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होगा गाइस, क्योंकि रास्ता थोड़ा पतला हो चुका है, इसका मतलब मुसीबतें बढ़ चुकी है। अबे नहीं 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 नहीं, क्यों फालतू का टाइम घोटी हो गया। एक बार फिर से गाइस, अब मुझे एकदम अच्छे से ध्यान रखना होगा, पता नहीं 2 मिनट में से कितना टाइम जा चुका होगा। अब यहाँ से ओ रास्ता और भी पतला हो गया यार, ये क्या मुसीबत होते जा रही है, मतलब के बढ़ते जा रही है। ढिपचिक धीरे 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 स्लो स्लो, थोड़ा पीछे थोड़ा आगे, ढिपचिक आराम से, आराम नाल कोई घाई नहीं है, नहीं घाई है पर डरने की कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे, वरना क्या ही है, इनाम जाएगा हाथ से और कुछ ढूंढना पड़ेगा यार फिर। एक तो यार ये लोग रैंप में ना कुछ भी डालते हैं, पत्थर, पत्थर डालने की क्या जरूरत थी, ऐसा लग रहा है मैं किसी पोर्टल के अंदर जा रहा हूँ भाई साहब। ओहो क्या बचे हम लोग,
अबे नहीं 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 क्या बैलेंस किया गाइस हमने, फाइनली कंप्लीट कर लिया है मैंने, और मुझे लगता है कि मैंने 2 मिनट के अंदर कंप्लीट किया है, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, तो गाइस वो आप लोग बताओगे मुझे कमेंट में। और ये रहा हमारा इनाम पूरा 1 लाख का सोना, तो जल्दी से इसे कन्वर्ट करते हैं पॉइंट्स में, जब सोना मेरा है तो इंतजार क्यों करूं। और ये और गाइस इसके साथ हमें मिल चुके हैं पूरे 1 लाख गोल्ड पॉइंट्स, इसमें मुझे लगता है और भी अच्छा खासा सूट आएगा। और ये एक सिल्वर टीवी मैन, हमारे स्पाइक देख रहे हो आप लोग, ऐसा मैं ना दुश्मन को शोल्डर से ही मारूंगा। अबे यार ये फोन वाइब्रेट क्यों हो रहा है, ब्रेकिंग न्यूज, बढ़ती तबाही के साथ बढ़ते स्किबिडी टॉयलेट्स, उन्होंने पूरे ह्यूमन लैब पर कब्जा कर लिया है और वहाँ पर छुपा के रखा है ढेर सारा सोना, जो मुझे लगता है इसके बाद किसी का नहीं होना। चलो गाय जल्दी चलते हैं यहाँ से, हमें जाके वो सोना उड़ाना होगा, वैसे सोने की सख्त जरूरत है हमें, तो ये काम हम ही कर देते हैं लोगों के लिए। देखो ह्यूमन लैब तो हम लोग पहुँच चुके हैं, नजारा देख रहे हैं आप लोग, एकदम चौकस नजर है सबकी सोने पे, चारों बाजू से घिरा हुआ ये रहा सोना। अब जाते हैं और जरा इनको एक एक करके निपटाते हैं। और कैसे हो, बाय बाय, रुक 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 भाई मैं आ रहा हूँ। चलो ये भी गया और ये भी, थोड़े अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। ओ भाई साहब क्या पंच पड़ा है तेरी, तो ये ले आए बड़े सोना हड़पने वाले, कोई नहीं बचने वाला मेरे हाथ से, क्या धाड़ धाड़ पड़ रही है यार इन लोगों को। अब इसकी बारी तेरी, तो ये ले और ये खा, तू तो गया बुम बुम। अब ये इनको लग रहा है ऊपर बैठे तो बच जाएंगे, पर मेरे हाथ से कोई नहीं बच पाएगा और ना ही कोई बचाया आज तक। और कोई है, ओहो हो एकदम छपरे पे चढ़ के बैठे हो, तुम्हारी तो मैं। गाइस यार काफी डरपोक है ये लोग, इसमें से कोई भी अटैक नहीं कर रहा था, क्या ही करेंगे ये लोग। पर जरा यहाँ तो देखो सोने का भंडारा लगा हुआ है यार। एक मिनट ये क्यों रो रहा है, लगता है गाइस ये काफी डर गया मुझे देख के। देख दोस्त रोने की जरूरत नहीं है, अगर तूने मुझे बता दिया कि जी मैन कहाँ पर है तो मैं तुझे छोड़ सकता हूँ। ऐसी बात है तो मैं बताऊंगा, जी मैन गया हुआ है बैंक में सोना लूटने स्किबिडी, प्लीज अब मुझे जानने दो स्किबिडी, मैंने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया स्किबिडी। अच्छा हट तेरी की, ऐसे कैसे छोड़ दूँ, हाँ नहीं तो इसको सच्ची में लगा मैं इसको छोड़ दूंगा। चलो गाइज मुझे ये भी पता लग चुका है कि जी मैन कहाँ पर है, और जरा सामने तो देखो हमें जो चाहिए था वो भी मिल गया है। अब ये पूरा सोना हमारे कब्जे में है, तो जल्दी से इसे उड़ाते हैं। ओ भाई साहब पूरे 1 मिलियन गोल्ड पॉइंट्स, क्या ही मजा आ गया यार, जल्दी से अपग्रेड करते हैं, इसमें तो हमारा फाइनल अपग्रेड आ जाएगा। और ये एक चमचमाता गोल्ड टीवी मैन, क्या ही ढासू लग रहा है यार। अब जाते हैं और जरा जी मैन को सबक सिखाते हैं, काफी तोड़फोड़ मचा ली है उसने, अब उसे पता चलेगा उसने जो सुबह किया था ना मेरे साथ, बहुत पछतावा होगा उसे उसका। ओहो इसने तो यहाँ की हालत खराब कर दी है, और जरा देखो तो सही पूरा ट्रक भर के सोना लूटा है। और क्या बोलता है जी मैन, अब तो हम दोनों एक ही पेस पर है। नहीं तुम खुद को भले गोल्डन में अपग्रेड कर कर आए हो, पर तुम मेरे जितने ताकतवर नहीं। ऐसा है क्या, तो ये ले क्या टप्पा खा के गया है, अब बोल दे के मैं तेरे जितना ताकतवर नहीं हूँ उतना। ओ भाई साहब उठ गया यार, अरे भड़कता काय को है, तूने भी मुझे सुबह फेंका था तो मैं इतना तो कर ही सकता था। हाँ नहीं तो कब से मैं खाली हिसाब बराबर कर रहा था ना, तू करे तो ठीक मैं करूँ तो नहीं। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, एक बार तो सोचा भी था कि चलो हिसाब बराबर करके समझा लूंगा, पर गाइस लोग सही बोलते लातों के भूत बातों से नहीं मानते ना, नहीं मानते ना, अब मानेगा। इसको जब बराबर धोऊंगा ना बिना साबुन के। तू क्या मुझे मारेगा, मैं तेरी टीवी उखाड़ के फेंक दूंगा। तू मेरी टीवी उखाड़ेगा, तेरी तो उखाड़, इतना आसान है क्या। अबे कहाँ गया वो, गया रे हवा में उड़ता है। क्या टपका है इसको नीचे, और ये ले। अबे इसको मारता हूँ ये वापस नीचे आ जाता है दबा के। ओ छोड़ 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 यार छोड़ देता, मुझे लगता है मेरा केबल ढीला हो गया। अबे यार इसकी तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ये ले। अब तो तू गया यार, मेरा दिमाग खसक गया पूरी तरीके से, इसकी तो गर्दन अटक गई, अब ये पूरा अटकेगा। भाई साहब गुस्से में पावर ज्यादा काम आती है। फाइनली मैंने इसको सबक